अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी प्रिलिमिनरीज पे, और हमारा जो फोकस था दैट इज ऑन डाटा मैनिपुलेशन। आज हम डाटा प्री प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। सो डाटा प्री प्रोसेसिंग में जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम उस लाइब्रेरी को देखें जो कि यूज होती है डाटा ingest करने के लिए, और जो हम जिस लाइब्रेरी का ओवरव्यू लेंगे दैट इज पांडास लाइब्रेरी। अगर आप इस लाइब्रेरी को डिटेल से देखना चाह रहे हैं तो कुछ मैंने लेक्चर्स अपनी प्लेलिस्ट में पांडास लाइब्रेरी के नाम की है, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, और मजीद पांडास की जो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको भी देख सकते हैं। सो डाटा प्री प्रोसेसिंग में जो है लाइब्रेरीज फॉर इंजेस्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डाटा फ्रॉम वराइटी ऑफ सोर्सेस, इसका एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो जैसे आप डाटा प्री प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास पाइटॉर्च में कोलैब क्लिक करेंगे तो कोलैब नोटबुक ओपन हो जाएगी। सो मैंने यहीं से कोड लिया जो भी आपको थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ। सो मूव करते हैं कोलैब नोटबुक पर। सो इस नोटबुक में जो हमारा फोकस है दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। सो फार वी हैव बीन वर्किंग विद सिंथेटिक डेटा। सो अभी तक जो हमारा फोकस है दैट इज ऑन सिंथेटिक डेटा, कि किस तरह हम टेंसर को यूज करते हुए डिफरेंट वेज से डेटा प्रिपेयर कर सकते थे। दैट अराइव्ड इन अ रेडीमेड टेंसर। हाउएवर टू अप्लाई डीप लर्निंग इन वाइल्ड वी मस्ट एक्सट्रैक्ट मेसी डेटा स्टोर्ड इन आर्बिट्रेरी फॉर्मेट एंड प्री प्रोसेस इट इन इट टू सूट अवर नीड्स। सो फॉर्चुनेटली हमारे पास पांडास लाइब्रेरी है और जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसको आप एक्सप्लोर करके मजीद पांडास लाइब्रेरी के बारे में लर्न कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मशीन लर्निंग डाटा साइंस की फील्ड में, तो पांडास लाइब्रेरी का आपको एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से डेटा सेट को रीड किया जा सकता है, देन डेटा प्रिपेयर कैसे करेंगे, और देन किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेंसर फॉर्मेट में, और लास्ट में हम एक ब्रीफ सी डिस्कशन रखेंगे। सो सबसे पहले रीडिंग द डेटा सेट। इस लेक्चर में हमारा फोकस है कि जो डेटा सेट हम रीड कर रहे हैं वो CSV फाइल में होगा, और CSV फाइल जो है वो दैट इज कॉमा सेपरेटेड फाइल है। सो कॉमा सेपरेटेड फाइल होगी, और यूजली आपको बेशुमार डाटा CSV फाइल में ही मिल रहा है, जो कि जस्ट सेम लाइक सेप स्प्रेडशीट्स हैं। हर लाइन एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, और उसमें जो फील्ड्स हैं वो सेपरेटेड बाय ए कॉमा पड़ी होती है। इस पीस ऑफ कोड में हम क्या काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक CSV फाइल क्रिएट कर रहे हैं। सो इंपोर्ट OS लाइब्रेरी किया, वहां पे हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की, फोल्डर में गए और डाटा के नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, और देन वहां पे हमने हाउस टाइनी डॉट CSV के नाम की एक फाइल क्रिएट की, और उस CSV फाइल में हमने ये रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दिया। ये हमारे पास रूम नंबर्स, नम रूम्स ये कॉलम हेडिंग बनेगी, रूफ टाइप कॉलम हेडिंग बनेगी, और ये प्राइस हमारे पास कॉलम हेडिंग बनेगी, और ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही हैं ये नम रूम्स में आ जाएगा। फिर इस तरीके से ये पर्टिकुलर वैल्यूज उस रूफ टाइप में आ जाएंगी, और प्राइस में ये पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने एक डाटा प्रिपेयर किया जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स और रूफ टाइप की बेस पे मेरे पास उनकी प्राइसेस हाउस प्राइस अवेलेबल है। जैसे ही हम इस पीस ऑफ कोड को रन करेंगे तो ये पीस ऑफ कोड मेरे पास मेरे कोलैब अकाउंट पे ये डाटा का एक फोल्डर क्रिएट करेगा, और उसमें हाउस टाइनी की एक CSV
प्लेस कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इधर क्लिक किया, यहाँ पे डाटा का फोल्डर था और हाउस टाइनी को क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये CSV फाइल ओपन हो गई। और जो कॉलम्स हमने यहाँ पे ये डिफाइन किए थे, यही इस CSV के कॉलम बन गए। और देन ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज जो हमने यहाँ पे सेपरेट बाय कॉमा डिफाइन की थी, ये यहाँ पे वैल्यूज आते जा रही हैं। और आपको आइडिया कि एनए का मतलब है कि यहाँ पे नल वैल्यू है, और ये खुद ब खुद जो वैल्यू मिसिंग है उसको एनए नोटा वैल्यू या नल वैल्यू के तौर पे पांडास रीड कर लेता है। उसके बाद पांडास की लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट किया। जैसे इस पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और देन pd.read CSV किया, उस फाइल को जो भी हमने क्रिएट की थी उसको लोड किया, और आप देख सकते हैं कि वही फाइल हमारे पास यहाँ पे एवेड पांडास में रीड होके आ गई। सो पांडास की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं यूज्यूम कर रहा हूँ कि वो पांडास का आपको अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं या लर्न करना चाह रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पांडास पे एक ब्रीफ सी है उसको देख सकते हैं, या आप खुद से इसको लर्न कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास डेटा है तो हमने इस डेटा को प्रिपेयर करना। अगर आपको याद हो कि जब हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, कि हमारे पास एक इनपुट एट्रीब्यूट्स होते हैं और हर इनपुट के अगेंस्ट टारगेट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में हमारे पास जो इनपुट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ रूम्स, सो ये हमारे पास इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं, और जो प्राइस है ये मेरे पास टारगेट वैल्यू आ रही है। सो इन सुपरवाइज्ड लर्निंग वी ट्रेन मॉडल टू प्रेडिक्ट आर डेजिग्नेटेड टारगेट वैल्यू, जो कि लेट्स से इस केस में प्राइस है, गिवन सम सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, जो कि इस केस में मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स और रूफ टाइप है। ओवर फर्स्ट स्टेप इन प्री प्रोसेसिंग द डेटा सेट इज टू सेपरेट और कॉलम्स कोरिस्पोंड टू द इनपुट वर्स्ट टारगेट वैल्यूज। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनपुट को और टारगेट को सेपरेट आउट करना। वी कैन सेलेक्ट कॉलम्स आइदर बाय नेम्स और वाया आ इंटीजर लोकेशन, सो यूजिंग आईलॉग और यूजिंग कॉलम नेम्स हम ये सब काम कर सकते हैं। सो यू माइट हैव नोटिस दैट पांडास रिप्लेस ऑल CSV एंट्रीज विद NN। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो NN की एंट्री है उसको NN के नोटा नंबर इससे रिप्लेस कर दिए। और जब हम मशीन लर्निंग या डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो इस तरह का बेशुमार प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। और नल वैल्यूज को किस तरीके से डील किया जा सकता है, किस तरीके से उसको फिल किया जा सकता है, इसकी की बेशुमार टेक्निक्स एग्जिस्ट कर रही हैं और आप उनको लर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज के फॉर सम कॉमन, सो जब हमारे पास नल वैल्यूज आ रही हैं तो नल वैल्यूज को डील करने के लिए दो अप्रोचेज हैं, एक इम्प्यूटेशन और दूसरा डिलीशन। इम्प्यूटेशन रिप्लेसेस मिसिंग वैल्यूज विद एस्टिमेट्स ऑफ देयर वैल्यूज, व्हाइल डिलीशन सिंपली डिस्कार्ड आइदर रोज और कॉलम्स। सो इम्प्यूटेशन के केस में हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स को यूज करते हुए, या हमारे पास मल्टीपल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से किसी एक को यूज करते हुए मिसिंग वैल्यूज को फिल करते हैं, या फिर जो डिलीशन है उस केस में वो पर्टिकुलर कॉलम या रो को डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास जो रूफ टाइप कॉलम है उसमें मिसिंग वैल्यूज आ रहे हैं, और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रूफ टाइप है वो स्लेट है या NaN। सो हम पांडास को यूज करते हुए कैन कन्वर्ट दिस कॉलम इनटू अ टू कॉलम्स
दैट इज रूफ टाइप स्टेट, के रूफ टाइप जो है वो स्लेट है या नहीं, या रूफ टाइप एन नहीं. सो आर रो हूज रूफ टाइप इज स्लेट, वहां पे पर्टिकुलर वैल्यूज में वन आ जाएगा और बाकी तमाम के तमाम जीरोज एंड सो ऑन. सो जैसे ही आप इस पीस ऑफ कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास दो और एक्स्ट्रा कॉलम्स आ गए, एक रूफ टाइप स्लेट के नाम से, और जहां पे बता दिया कि जहां पे एलिमेंट था वहां पे हमने जीरो कर दिया, और जहां पे वन ऑलरेडी वो वैल्यू थी वहां पे हमने वन कर दिया, और एनएन के केस में जहां पे एनएन था वहां पे वन कर दिया, और जहां पे वैल्यू थी वहां पे जीरो कर दिया. फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ रूम्स हैं, अगर हमने नंबर ऑफ रूम्स को फिल करना है मीन से, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो हम इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं. तो जैसे हम इस सेल को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो रूम्स हैं उसको हमने मीन से फिल कर दिया. अब आपके पास तमाम के तमाम जो वैल्यूज हैं, चाहे वो इनपुट की हैं या आउटपुट की हैं, वो न्यूमेरिक फॉर्म में आ चुकी हैं, और अब हम सिंपल जो इनपुट वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इस पीस ऑफ कोड से इनपुट्स में मेरे पास इनपुट डेटा आ गया था, और टारगेट में मेरे पास जो टारगेट वैल्यू प्राइस वो आ गया, तो अब हम सिंपल इनपुट वैल्यूज को और टारगेट वैल्यूज को पाइटॉर्च में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप पास कर सकते हैं यूजिंग सिंपल टॉर्च डॉट टेंसर कमांड. तो अब मेरे पास एक्स और वाई टेंसर में आ चुका हुआ है. यहाँ पे एक चीज और जो नोट करने वाली है कि जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक्स कैपिटल है और वाई स्मॉल है. क्यों? क्योंकि जो इनपुट डाटा है वो इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, और अगर आपको नोटेशन याद हो तो वहां पे हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिखते थे, और इसी तरीके से जो वाई है वो एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से इसको हमने इन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर लिया. सो ये जस्ट वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन है जो कि हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे इसी चीज को कंक्लूड किया जा रहा है कि हमारे पास जो डेटा पार्टीशन, डेटा कॉलम्स और इंप्यूट मिसिंग वैल्यूज और लोड्स पांडास डेटा इनटू अ टेंसर्स, फिर हम डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज करते हुए जो डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा है उसको वो पांडास में ले आते हैं, और पांडास को यूज करते हुए फिर हम उसको टेंसर में क्रिएट कर सकते हैं. फिर इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट विजुअलाइजेशंस की लाइब्रेरीज हैं, अगर आप इनको भी एक्सप्लोर करना चाहें तो साथ देख सकते हैं, जहाँ से आपको आइडिया हो कि जो डाटा है अगर आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ता है तो किस तरीके से किया जा सकता है. होपफुली इस लेक्चर में आपको काफ़ी तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.